अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर ऑफ 2022-2023 एक और नए अपडेट के बारे में। आज मैंने PFMS के साथ एक कॉन्टैक्ट किया है जिसमें मैंने उनके साथ बात की आपके स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग। चाहे आपका PFMS पे अभी तक आपका स्कॉलरशिप रुका है या आपका अकाउंट वहां पर वैलिडेट नहीं हुआ किसी भी रीज़न की वजह से, वो सारे रीज़न मैंने उनके साथ डिस्कस किए। उन लोगों ने मुझे एक सोल्यूशन बोला है, उसमें मैंने एक और रिकॉर्डिंग भी रखी है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैम एक्चुअली मैंने एक स्कॉलरशिप भरा था तो उसमें जो मेरा आज स्टेटस दिखा रहा है वो दिखा रहा है अकाउंट नॉट वैलिडेटेड एट PFMS रिजेक्शन रीजन रिटर्नड बाय PFMS UID नेवर एनेबल्ड फॉर DBT एंड अकाउंट इज इनवैलिड। मैम आपका एप्लीकेशन आईडी बताइए। जी मैम लिख लीजिए JK। मैम 62 है शायद। 62 जी। वहाँ पर दिखा रहा है UID नेवर एनेबल्ड फॉर द DBT। आपको बैंक में जाके आधार कार्ड के साथ DBT शील्ड करवानी होगी। ओके मैम, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है ना हमारा, वहाँ पर तो हमको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है की इसको हम कैसे अपडेट करें। हमको अपडेट करने की जरूरत है या नहीं? अपडेट करने की जरूरत है ना, अपडेट कर चुके हैं या नहीं किए हैं? ऑप्शन ही नहीं आया उसमें जब SMS आ दी है ना अपडेट करने के लिए, वो मैम वहाँ पर अभी दिखा रहे हैं नहीं। ठीक है, वो NSP से कॉन्टेक्ट करके मिनिस्ट्री का नंबर लेके मिनिस्ट्री से बात करिए आप। अच्छा, मिनिस्ट्री को कॉन्टेक्ट करना है मैम। जी ओके मैम, ये भी साथ मैम ये भी साथ साथ मुझे बोले जिनका PFMS से पेमेंट ऑलरेडी 2 महीने हो गए उनका क्यों नहीं आया। मैम क्या बता रहा है? मैम 2 महीने से मतलब पेमेंट हो चुका है PFMS रिन्यूअल का मैम, लेकिन उनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। ठीक है, वो मिनिस्ट्री से बात करिए आप। तो वहाँ पर तो PFMS ही पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट वाले ही बात करेंगे सर, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम वहाँ पर जो एप्लीकेशन थे वो दिखा रहे हैं ना सेंट टू PFMS। जी वहाँ पर जो दिखा रहे हैं सेंट टू PFMS मैम, सेंट टू PFMS बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया है ना सर। तो मैं बोल रही हूँ कि आप NSP से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर मैंने PFMS के साथ कांटेक्ट किया है और उन लोगों ने मुझे इन शॉर्ट एक रीज़न बोला है कि आप मिनिस्ट्री के साथ कांटेक्ट कीजिए चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अभी तक PFMS के पास कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं पहुंची है जिनको उनको पैसे फॉरवर्ड करने हैं। मैंने जो आपका स्कॉलरशिप रहता है वो आप मिनिस्ट्री का कॉन्टैक्ट कैसे हासिल कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक आसान सा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से आप मिनिस्ट्री का कॉन्टैक्ट हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है जो कहें scholarship.gov.in, ये लिंक मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा और उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंचोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो ये कॉर्नर आपको स्टेप बाय स्टेप आते होंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मिलता है पब्लिक कॉर्नर, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऑप्शन आता है सर्च स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। पहला मिलेगा मिनिस्ट्री, सेकंड मिलेगा स्टेट, थर्ड मिलेगा डिस्ट्रिक्ट और फोर्थ मिलेगा जोन। मीनि यहाँ पर आपको 4 नंबर के कॉन्टैक्ट हासिल हो सकते हैं, 4 टाइप्स के कॉन्टैक्ट। पहला होता है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ये होता है मीनि आप लोगों ने किस मिनिस्ट्री में अपना स्कॉलरशिप भरा है। जनरली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी भरते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में सारे बच्चे आते हैं तो उसमें आप स्कॉलरशिप सबमिट करते हो। अगर आप प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक या मेरिट का मीनि स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो तो यहाँ पर आपको उसके लिए मिनिस्ट्री पे कॉन्टैक्ट करना होगा। और यहाँ पर अगर आपको स्टेट पे कॉन्टैक्ट करना है, मीनि आपका एप्लीकेशन अभी तक रिवैलिडेट के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर के पास पेंडिंग है उसके साथ भी आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पेंडिंग है किसी स्टेट नोडल ऑफिसर के जब आपका रिवैलिडेट हुआ है तो उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिंपली आज हम मिनिस्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा मिनिस्ट्री, अब यहाँ पर आएगा चूज योर ऑप्शन, यहाँ पर आपको अपनी मिनिस्ट्री सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एक्टर्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप लोगों ने प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वो भरा है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करने के बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा, देन यू हैव टू फिल कैप्चा, यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको
सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आदित्या शिखर सिंह इसका नाम है जिसको आप कॉन्टैक्ट करोगे, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर वो यहाँ पर ये दिया है, इसको पहले आपको +91 लगाना है तब इसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सके। अगर ये बाय द वे यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नहीं उठा सकते हैं, मीन आपका जो फ़ोन कॉल वो इन लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी यहाँ पर दी गई है, आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आपका रीज़न रहता है वो वहाँ पर उनके साथ शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपका वहाँ पर एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपके स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।